हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडियो 9 एडिट्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईद स्पेशल फोटो एडिटिंग। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मॉडल ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। चलिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सिंपली आप फाइल में चले जाइए और यहाँ से ओपन पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर लीजिए। अब यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ पर ऐसे रख दीजिए दोस्तों। इसके बाद आप ये जो ऊपर वाला लेयर है इसे आप नीचे ले आइए। अब इसके बाद आप कंट्रोल और टी कमांड प्रेस करके इसे रिसाइज कर लीजिए अपने हिसाब से। इतना तक रहने देना, इतना ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर ओके कर लीजिए। इतना करने के बाद बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है, तो चलिए हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपली आप फिल्टर से ले जाइए और यहाँ से कैमरा का फिल्टर ओपन कर लीजिए। कैमरा का फिल्टर ओपन करने के बाद आपको एक्सपोजर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, कंट्रास्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और ब्लैक आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, शेडोज भी इंक्रीज कर लीजिए। और यहाँ से आप लीनियर ग्रेडियंट पर चले जाइए और यहाँ से ऊपर से एक लीनियर ग्रेडियंट ले लीजिए दोस्तों, और यहाँ इसका एक्सपोजर इंक्रीज कर लीजिए, और एक नीचे से भी लीनियर ग्रेडियंट ले लीजिए, और यहाँ का एक्सपोजर भी वही सेम रहेगा। ओके कर लेना है। तो इस बैकग्राउंड जो है एडजस्ट हो चुका है मॉडल से। तो क्या जिसके बाद हम बैकग्राउंड ब्लर कर लेते हैं। तो ब्लर करने के लिए सिंपली आप फिल्टर पर चले जाइए, और ब्लर गैलरी पर जाने के बाद आप यहाँ पर फील्ड ब्लर का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक कर लीजिए, और ब्लर का इंटेंसिटी थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लीजिए, और दोस्तों लाइट बुके का भी थोड़ा सा इंटेंसिटी इंक्रीज कर लीजिए, इतना तक ठीक रहेगा। इसके बाद आप ओके कर लीजिए। सो गाइस, हमारा बैकग्राउंड जो है ब्लर हो चुका है। इसके बाद हम कुछ लेंस फ्लेयर ऐड कर लेते हैं। सिंपली आप यहाँ से फाइल में चले जाइए और यहाँ से ओपन कर लीजिए, और यहाँ से एक लेंस यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इसका ब्लेंडिंग मोड आप स्क्रीन पर रख दीजिए, और कंट्रोल टी कमांड प्रेस करके आप इसे थोड़ा सा रिसाइज करके बड़ा कर लीजिए। और दोस्तों ये मॉडल के ऊपर आएगा, तो इस लेयर को आप ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा रिसाइज करके आप इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। फिर से आप कंट्रोल जे कमांड प्रेस करके इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लीजिए, और कंट्रोल टी कमांड प्रेस करके इधर आप और एक लेंस इधर ऐड कर लीजिए। इतना करने के बाद आप यहाँ पर टिक पर प्रेस कर लीजिए। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको कंट्रोल जे कमांड प्रेस कर लेना है, और एक इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है, और यहाँ पर एक लेंस फ्लेयर हम ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर टिक पर ओके कर लेंगे। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर ईद का लोगो लगा देते हैं, जिससे कि हमारा फ़ोटो और अच्छा लगेगा। सिंपली आप यहाँ फाइल पर जाइए, यहाँ से ओपन कर लीजिए, और मैंने सारे स्टॉक्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ईद का जो PNG है, चलिए इसे हम ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, और इसे कंट्रोल टी कमांड प्रेस करके थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ कॉर्नर पर इसे रख देते हैं। इतना कर लेने के बाद ये हमारा लोगो जो है ब्लैक में है, चलिए हम इसे वाइट कर लेते हैं। तो वाइट करने के लिए सिंपली आप कंट्रोल प्रेस करके आप ये लेयर पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो वाइट कलर है उसे आप नीचे ले आइए, और कंट्रोल बैकस्पेस क्लिक कर लीजिए, यहाँ से हमारा जो लोगो है वो वाइट हो गया है। फिर से आप कंट्रोल डी प्रेस करके डी सेलेक्ट कर लीजिए। सो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर एक डस्ट पार्टिकल लगा देते हैं, जिससे हमारा फ़ोटो और अच्छा हो जाएगा। तो सिंपली उसे ऐड कर लेते हैं, डस्ट पार्टिकल ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रैग करके आप यहाँ पर ले आते हैं, और इसका ब्लेंडिंग मोड वही स्क्रीन पर ही रहेगा, आप इसे लाइटन भी कर सकते हैं, पर इसे स्क्रीन में ही रहने दीजिए। और दोस्तों कंट्रोल टी कमांड प्रेस करके इसे अपने जगह पे इसे सेट कर लेना है। और दोस्तों ये जो थोड़ा थोड़ा वाइट कलर में जो फेड हो जा रहा है, इसके लिए आप कंट्रोल एल प्रेस करके थोड़ा सा इसे
डार्क कर लीजिए। इतना करने के बाद फिर से हम कंट्रोल जे कमांड प्रेस करके डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से इसे दूसरी जगह पर ले आएंगे। सो गाइस हमारा फोटो जो है बन चुका है। अब इसके बाद मॉडल के ऊपर एक लेयर ले लेंगे और यहाँ से इसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर क्लिक कर लेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम वाइट कलर ले लेंगे। वाइट कलर ले लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इसे इस टाइप का ब्रश कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ब्रश ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन ओवरले कर देंगे। फिर जहाँ पर से यहाँ लाइट एंटर कर रहा है वहाँ पर ब्रश ड्रॉ करते जाइए। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आप सारे लेयर्स को मर्ज कर लीजिए। हमारा लेयर मर्ज हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ से हम लेवल्स पे ले जाते हैं। लेवल्स पे जाने के बाद यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेंगे, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जितना भी है सारा कुछ एडजस्ट कर लेंगे और इस लेयर को भी आप मर्ज कर लीजिए। सो गाइस अब हम कैमरा रॉ फिल्टर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेते हैं। फिर कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, हाईलाइट भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, वाइट्स भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, ब्लैक थोड़ा सा डिक्रीज कर लीजिए और गाइस टेक्सचर थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, क्लैरिटी भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए और डीएच थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। बस इतना कर लेना है और इसके बाद हम थोड़ा सा विग्नेट का इफेक्ट भी डाल देते हैं ताकि हमारा फोटो और अच्छा लगे। यहाँ पर इफेक्ट में विग्नेट इफेक्ट थोड़ा सा बस इतना सा डाल देते हैं और यहाँ पर से ओके कर लेते हैं। इतना कर लेने के बाद हम फिर से एक इफेक्ट ले लेते हैं जिसका नाम फ़ोटो फिल्टर है। सिंपली ये फ़ोटो फिल्टर इफेक्ट को ले लेना है और यहाँ पर से ऑरेंज कलर चूज़ कर लेना है और अपने हिसाब से इसका इंटेंसिटी डिक्रीज या इंक्रीज कर लीजिए जिससे कि हमारा बैकग्राउंड और मॉडल मैच कर जाए। इतना करने के बाद लेयर को भी आप मर्ज कर लीजिए। ईद स्पेशल फोटो एडिटिंग हमारा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही आपके लिए ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। और दोस्तों हम 5000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है तो प्लीज़ चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा 5000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए।